डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह, इतिहास विभाग, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास इतिहास से संबंधित है और ये कक्षा बीए प्रथम वर्ष एवं बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आज हमारी क्लास का जो शीर्षक है वह है मानव जीवन की उत्पत्ति तथा प्रागैतिहास। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्जिन कॉलिंगवुड का भी ये कहना था, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, अपने संबंध में चिंतन करते समय उसके मस्तिष्क में अपने पूर्वजों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा स्वयं ही प्रस्फुटित हुई कि आखिर वर्तमान का आविर्भाव क्यों हुआ। इसी जिज्ञासा ने कहीं ना कहीं मनुष्य को अतीत में झांकने के लिए विवश कर दिया और इसी विवशता ने हमें यह जानने के लिए मजबूर किया कि आखिर में यदि मानव की उत्पत्ति हुई है तो वो कहाँ से हुई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज अपनी क्लास में इन चार उप विषयों पर बात करेंगे, जिसमें पहला उप विषय आपका है पृथ्वी के एक ग्रह के रूप में निर्मित होने से लेकर मानव जीवन की उत्पत्ति के समय को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें पृथ्वी जब सूर्य से अलग होती है और वह ग्रह का रूप लेती है और उसके बाद मानव की उत्पत्ति तक के समय को अलग अलग किस तरह से भूगर्भ शास्त्रियों ने बांटा है उस पर चर्चा की जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय होगा वह होगा मानव जाति के विकास क्रम से संबंधित, जिसमें मानव का उद्भव से लेकर के और आज का आधुनिक मानव किस तरह से विकसित होता है इस पर चर्चा होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण उप विषय है वह है मानव जाति के स्थानांतरण के संबंध में, अर्थात कि मनुष्य कहाँ से किस क्षेत्र से प्रारंभ करता है और किस प्रकार वो पूरी पृथ्वी पर फैलता है उसके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा उसमें करेंगे। और जो चौथा हमारा उप विषय होगा वह पाषाण काल से संबंधित होगा। मानव की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में यदि हमें जानना है तो उसके पहले हमें थोड़ा सा पृथ्वी के उत्पत्ति के विषय में भी जानने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति से पूर्व अर्थात जन्म से पूर्व गैसीय आग के गोले के समान थी। आप इसको एक एनर्जी मान सकते हैं। जैसे आप इस इधर चित्र में आप देख भी रहे होंगे, इसमें कई तरह की गैसें इन्वॉल्व थी, जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की गैसों का ये सम्मिश्रण था। बहुत अधिकता होने के कारण एक समय के पश्चात जब लिमिट क्रॉस हो गई तो इसमें एक विस्फोट होता है, जिसे वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया था। ये एनर्जी के कारण, इस एनर्जी के विस्फोट के कारण यह एनर्जी आज भी सौर मंडल की भांति आज भी ये विस्तृत हो रही है और इसी के कारण एक ग्रह के रूप में पृथ्वी अलग होती है। जैसे जैसे यह सूर्य से दूर जाती है तो इसमें कुछ परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऊपरी सतह है वो पहले ठंडी होते होते तरल में बदलती है, यानी लिक्विड फॉर्म में आती है। इसके बाद यह ठोस में परिवर्तित होती है और यही ठोस धीरे धीरे चट्टान का रूप ले लेता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी पर गैसों का सम्मिश्रण है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं जब यह ग्रह बना तो इस पर भी गैस ही रही होगी। और जब यह ठंडी होती है तो जो जल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, तो H2O यहाँ पर वाष्प के रूप में था। जब यह ठंडी होती है तो वह वाष्प कन्वर्ट होता है बारिश के माध्यम से जल के रूप में और वो लगातार वर्षा होने के कारण पृथ्वी पर धीरे धीरे महासागर, झील, नदियाँ, इन सभी का निर्माण होता है, ठीक। और इसके पश्चात हवा और लगातार वर्षा के प्रहार से जो चट्टान का रूप ली थी, तो उन पर जब प्रहार होता है, लगातार वो टकराती हैं उन चट्टानों से, तो वो चट्टानें टूट कर मिट्टी के रूप में पृथ्वी पर फैलने लगती हैं। यहाँ से लेकर इस पृथ्वी के निर्माण तक में लगभग 2 अरब वर्षों का समय लगता है। इसे जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उन्होंने सृष्टि समय का नाम दिया, यानी कि कॉस्मिक टाइम का नाम देते हैं। इसके पश्चात आज से लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले जब मानव जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी लेकिन जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई थी, तो
पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर यानी 4.5 अरब वर्ष से लेकर के वर्तमान तक के समय को भूगर्भ शास्त्रियों ने कुछ 5 अध्यायों में विभक्त किया। इसको विभक्त करने के पीछे जो आधार लिया गया वो था चट्टानों का, जब उत्खनन कराया गया, उनका जब एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ से जो फॉसिल्स मिलते हैं उनके आधार पर यह निर्धारित किया गया कि जो ये 4.5 अरब वर्ष का काल है उसे 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला भाग आता है आपका आर्केयन आता है, जिसको हम आर्कियोजोइक भी कहते हैं, और या तो यह अजीव युग भी कहलाता है। नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि इस समय में आर्केयन टाइम में, जिसे अजीव युग भी कहते हैं, इस समय में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4600 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर अर्थ का ओरिजिन होता है। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ओल्डेस्ट नोन रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस, मतलब जो पृथ्वी की सतह है उस पर जो मैंने आपको बताया भी था कि कठोर होते होते वो चट्टान का रूप लेती हैं, तो सबसे प्राचीन चट्टानें यहाँ पर हमें मिलने लगती हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं आपका प्रोटेरोजोइक से। ठीक, अब ये प्रोटेरोजोइक में जो रहा वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका कलर भी हमने चेंज कर रखा, तो एक पार्ट आता है एडियाकेरन का। ठीक, इस एडियाकेरन के पार्ट को लगभग 2500 मिलियन ईयर्स से लेकर के और 542 मिलियन ईयर्स के मध्य का समय रखा गया। ठीक, इसमें जो है आपके सेल्स का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी है ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी ऐसे फॉसिल्स या ऐसे सेल्स मिल रहे हैं जिनमें अभी भी रीढ़ की हड्डियां नहीं आई हैं। ठीक, इन्हें जो है प्रोटोजोइक या प्रोटोजोआ भी कहा जा सकता है। इसके बाद आप जो तीसरा पार्ट आता है या तीसरा अध्याय आता है, जिसे हम पैलियोजोइक के नाम से भी जानते हैं, उसको वैज्ञानिकों ने 6 भागों में डिवाइड कर रखा है यानी विभक्त कर रखा है, जिसमें सबसे नीचे का भाग कैम्ब्रियन, फिर ओर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन आते हैं। ठीक, ये जो 6 के 6 काल हैं वो 542 मिलियन ईयर्स एगो यानी 542 मिलियन साल पहले से लेकर के परमियन यानी 251 मिलियन साल पहले तक के बीच के काल में आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ों में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। अभी तक क्या था, ऐसे सेल्स या पहले आपके जो एडियाकेरन में स्टार्टिंग का टाइम था उसमें आपको ऐसे सेल्स मिल रहे थे जिसमें किसी भी प्रकार की कशेरुकाएं नहीं थी या किसी भी प्रकार की रीढ़ की हड्डियां भी नहीं मिल रही थी। उसी तरह का विकसित रूप आपको देखने को मिलता है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि डाइवर्स एल्गे एंड सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेटर एनिमल्स अपीयर्स, यानी कि ऐसे जानवर, ऐसे जीव उत्पन्न हो गए थे जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती थी। जैसे आप फॉर एग्जांपल जेलीफिश ले सकते हैं, या फिर आप जो आज के समय में केचुए हैं उनका एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके अलावा अलगे भी आने लगे थे जिनको हम शैवाल की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद कैम्ब्रियन जो कि पैलियोजोइक टाइम पीरियड का पहला पार्ट है, उसमें अचानक से विविध प्रकार के जीवों का उत्पत्ति होने लगती है, जैसा कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा होगा कि सडन इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल फाइला। ठीक, और इसी को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा गया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन मतलब क्या हुआ कि कैम्ब्रियन समय पीरियड यानी टाइम पीरियड में यह अचानक से बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इनको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की संज्ञा भी दी गई थी। इसके बाद जो पार्ट आता है ओर्डोविसियन, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ क्या है कि मरीन अलगाई अबेंडेंट, यानी कि जो समुद्र में रहने वाले शैवाल थे वो अधिकता में हो गए थे। इसके अलावा आपको कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड बाय डाइवर्स फंगई, यानी ऐसे कवक जो अब लैंड यानी भूमि पर भी रह सकते थे, उनकी भी उत्पत्ति इस समय में हो रही थी। ठीक, फिर सेल्यूरियन की जब बात आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 443.7 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 416 मिलियन ईयर्स एगो तक का समय था, और इसमें आपको अर्ली वैस्कुलर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। वैस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें लकड़ी नहीं पाई जाती, जैसे आप जो है छोटे छोटे जो पौधे हैं
उनको भी आप वेस्कुलर प्लांट्स में ला सकते हैं, झाड़ झंखाड़ टाइप के जिसमें लकड़ियां नहीं होती। जैसे आप एलोवेरा का एग्जांपल ले सकते हैं, वो उसमें लकड़ियां नहीं पाई जाती, तो उसे आप वेस्कुलर प्लांट की संज्ञा दे सकते हैं। डेवोनियन में आपको ऐसी मछलियों की उत्पत्ति हो जाती है जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बोनी फिशेज, फर्स्ट टेट्रापॉड्स एंड इंसेक्ट्स अपीयर। अब यहाँ पर कीट पतंगे भी आने लगे हैं पृथ्वी पर, उनकी उत्पत्ति होने लगती है। इसके अलावा ऐसी मछलियों की भी उत्पत्ति होती है जिनमें हड्डियाँ पाई जाती थी। यानी आप इन सब चीज़ों में अगर ये देख रहे हैं, तो ऐसी जो जीवों की उत्पत्ति है वो सबसे पहले यह मानी जा सकती है कि जल से ही हुई है, ठीक, और वो धीरे धीरे लैंड की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो डेवोनियन का टाइम पीरियड है, तो यहाँ से आपको ऐसे सरीसृप भी मिलेंगे जो कि पृथ्वी पर भी रह सकते थे, यानी भूमि पर भी रह सकते थे, ठीक। इसके बाद कार्बोनिफेरस में आपको एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स फ्रॉम फर्स्ट सीड प्लांट्स अपीयर, ठीक। और रेप्टाइल्स का जो है उद्भव आपका यहाँ पर कार्बोनिफेरस में होने लगता है, जो कि 359 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 299 यानी 299 मिलियन ईयर्स एगो तक के बीच का काल था, ठीक। परमियन में ये रेप्टाइल्स और भी ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है उसको कहते हैं मेसोजोइक। ये मेसोजोइक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस का नाम आता है। ये मेसोजोइक टाइम पीरियड 251 मिलियन ईयर्स से लेकर के 65.5 मिलियन ईयर्स एगो तक जाता है। इसमें जो महत्ता रही सबसे बड़ी, जैसे आप ट्राइसिक की जब बात करते हैं, तो कोन बियरिंग प्लास्ट, जिसे जिम्नोस्फीयर भी कहा जाता है, उसकी अधिकता होने लगती है। जैसे ऐसे प्लांट जिनके जो बीज हैं वो ऊपर से कवर रहते हैं, जैसे खजूर का पेड़ है, तो उसके लिए जो है ये आपके ट्राइसिक में आ जाते हैं। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ मैमल्स, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ओरिजिन ऑफ मैमल्स, स्तनधारी जीवों की भी उत्पत्ति आपके मेसोजोइक टाइम पीरियड में होती है। फिर जुरासिक, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये डायनासोर का टाइम पीरियड था, और यहाँ पर भी ये लिखा गया है कि जिम्नोस्फीयर कंटिन्यू एज डोमिनेंट प्लांट एंड डायनासोर्स अबेंडेंट एंड डाइवर्स, यानी विविध प्रकार के डायनासोर्स की अधिकता अब इस भूमि पर होने लगी थी। कब? जुरासिक टाइम पीरियड पर। प्रारंभ कहाँ से होते हैं? ट्राइसिक से, लेकिन जो अधिकता होती है वो आपकी जुरासिक पे होती है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है मेसोजोइक का, उसे कहते हैं क्रिटेशियस, ठीक। यह टाइम पीरियड 145 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के आपका 65.5 मिलियन ईयर्स तक रहता है, और इसमें अब आपको फूल वाले पौधे भी देखने को मिलने लगते हैं, जिसे एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा और भी जीव आपको प्राप्त होते हैं, इसके बाद डायनासोर्स आपको मिलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक रहीं, ठीक। इसमें जो मेसोजोइक में पीरियड में महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आप ध्यान रखिएगा कि इस समय में मैमल्स की ओरिजिन होने लगती है, यानी स्तनधारी जीव अब पृथ्वी पर उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक। तीसरा जो पांचवा पार्ट आता है वो है सेनोजोइक पार्ट का। सेनोजोइक पार्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, टर्सियरी एंड क्वार्टरनी, ठीक। अब उन्हीं दोनों पार्ट को हमने यहाँ पर इकट्ठा करके लिखा हुआ है। तो जो आपका पैलियोजीन आता है, उसमें पैलियोसीन टाइम पीरियड जो है वो 65 मिलियन ईयर्स से लेकर 55 मिलियन ईयर्स तक का लगभग समय है, जिसमें जैसे आप देख ही सकते हैं कि मेजर रेडिएशन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स, यानी ऐसे स्तनधारी जीव जो स्तनधारी जीव जिनकी अधिकता हो गई थी। इसके अलावा क्रिटेशियस पार्ट जो कि 145 मिलियन ईयर से लेकर 65 मिलियन ईयर तक आता है, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स यानी ऐसे पौधों की उत्पत्ति हो जाती है जो फूल भी दे सकते थे, उस तरह के पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर आपका सेनोजोइक टाइम पीरियड आता है, जिसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे टर्सियरिक और क्वार्टरनरी। टर्सियरिक यानी तृतीयक पार्ट। सेनोजोइक का जो पैलियोसीन एज है वो 65 मिलियन ईयर्स से लेकर के 55 मिलियन ईयर्स तक का समय था, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्तनधारी जीव भी मिलने लगते हैं, और ऐसे पतंगे भी मिलने लगते हैं जो पराग कण को ले जाने का काम करते थे, तो वो भी आपको
ऐसे कीट भी मिलते हैं जो पराग कण का काम करते हैं। इसके बाद ईओसीन टाइम पीरियड आता है जो 55 मिलियन ईयर से लेकर 33 मिलियन ईयर्स तक का समय था, और इसमें जो प्रेजेंट टाइम में मैमल्स हैं यानी स्तनधारी जीव हैं उनकी संख्या में इजाफा होने लगता है और वो इस पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ रही वो रही ओलिगोसीन। ओलिगोसीन इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसमें जो हमारे पूर्वज हैं जिन्हें आप एंथ्रोपोइड्स कह सकते हैं यानी पुरुषाभ वानर, ऐसे बंदर जो पुरुष की भांति थे, उनकी उत्पत्ति ओलिगोसीन में होती है। ठीक, और यह टाइम पीरियड एज जो कि आपका 55.8 मिलियन से 33.9 मिलियन ईयर्स के बीच का समय है, उस समय में वर्तमान में जितने भी स्तनधारी जीव मिलते हैं अधिकांश की उत्पत्ति ईओसीन एज में हो चुकी थी। ठीक, इसके बाद आते हैं ओलिगोसीन में। ओलिगोसीन ऐसा एज था जो हम सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से हमें पुरुषाभ वानर जिन्हें एंथ्रोपोइड की संज्ञा दी गई है उनकी उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। फिर मायोसीन टाइम पीरियड आता है जो कि 23 मिलियन से 5.3 मिलियन ईयर्स के करीब का था, और इसमें कंटिन्यूड रेडिएशंस ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन अपीयर्स। मतलब अब ऐसे पूर्वज हमारे इस समय में उत्पन्न होने लगे थे जिन्हें हम वाकई में मनुष्य का पूर्वज कह सकते थे। वह टाइम पीरियड था आपका मायोसीन का। फिर प्लियोसीन टाइम पीरियड जिसमें ओरिजिन ऑफ जेनस होमो, यानी इस टाइम पीरियड में भी आप देखेंगे कि उसके विकसित रूप जिसे आप होमोनिड कहते हैं या होमोनॉइड कह सकते हैं उनकी उत्पत्ति हो गई थी, जो कि लगभग लगभग मानव के समान ही लगने लगे थे। ठीक, इसके बाद आता है आपका प्लिस्टोसीन एज जिसमें आइस एज होती है जिसे आप हिम युग भी कह सकते हैं, उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, और ह्यूमन अपीयर्स यानी यहाँ पर मानव की उत्पत्ति जो आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस कह सकते हैं उसकी लगभग उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। और होलोसीन एज ये एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है जिसमें हमें आधुनिक मानव के विषय में भी जानकारी मिलती है, और ये होलोसीन एज 1 मिलियन ईयर्स तक के समय को कवर करता है और उसके बाद के समय को, आज तक के समय को होलोसीन एज कवर कर रहा है। ठीक, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो टाइम पीरियड है आपका प्लियोसीन से लेकर के और ईओसीन तक का, इसको जो है तृतीयक के अंतर्गत रखा गया है यानी टर्सियरी पार्ट है, और ये दो पार्ट जो हैं इसे आप चतुर्थक की संज्ञा में लगते हैं क्वार्टरनरी पार्ट, और अधिकांशतः जो पृथ्वी पर उथल पुथल हुई, जैसा कि कहा जाता है कि 3 से 4 बार हिमयुग आया फिर चला गया, इसके अलावा भूकंप भी आते हैं और चले जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों का अधिकांशतः बदलाव इसी टाइम पीरियड में होता है। लेकिन इसके पहले जब थोड़ा सा आप आते हैं यानी कि ओलिगोसीन का जो समय रहा इसमें आप देखिए तो मानव जीवन में यानी जो स्तनधारी जीव थे उनमें परिवर्तन होने लगा, उनके शरीर पर बाल आने लगे, उनके रक्त जो है उनका जो ताप था वो कंट्रोल में आने लगा, स्थिर होने लगा, इसके बाद फेफड़े विकसित हो गए थे, तो ये सारी चीज़ इसके समय में होती है। ठीक, और प्लिस्टोसीन एज में आपके मानव अपीयर हो जाते हैं यानी मनुष्य की उत्पत्ति यहां से आप मान सकते हैं। फिर होलोसीन एज आ जाती है जो कि हिस्टोरिकल टाइम कहलाता है। ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं जो कि उस अपनी लास्ट स्लाइड में हमने आपको बतलाया था, तो उससे संबंधित कुछ चित्र हैं जिसमें वेंडियन में आपके सेल्स आ जाते हैं और कैम्ब्रियन में आपके कुछ पार्ट हैं, फिर ओर्डोविसियन के जीव जो मिलते गए हैं, तो उनको मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैलियोजिन और नियोजिन में आपको वर्तमान मैमल्स जो हैं, जो वर्तमान में जीव बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनके भी आपको पूर्वज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब प्रश्न आता है मानव विकास क्रम का। जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में आप सभी को काल विभाजन के तहत बताया भी था कि आपका मेसोजोइक टाइम पीरियड है जहां से आपके मैमल्स की उत्पत्ति होती है, और इसके बाद सेनोजोइक टाइम पीरियड्स में आपको मनुष्य के
आप अवधारणा मान सकते हैं, यानी जीव पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति मानी जा सकती है। तो ये कुछ मैंने एक ट्री है, मानव विकास का एक पौधा हमने निर्मित किया है, तो उसके लिए ये बताया गया। तो यहां पर जो पार्ट आता है आपका, ये जो है मानव का विकास, यहां पर इसके पहले एक आपके एंथ्रोपोइड्स आते थे, जिन्हें आप एंथ्रोपोइड्स कहते हैं, ठीक। ये एंथ्रोपोइड्स थे, इन्हीं के विकास के करने के पश्चात एक और प्रजाति का उत्पन्न होती है, जिसे होमोनॉइड की संज्ञा दी गई, ठीक। और वही रही होमोनिड की संज्ञा दी गई, और वही जो है आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें एक पांगुडीज है और एक होमोनॉइड रहे। मानव जीवन का जो विकास है वो चार स्तरों में माना जाता है। पहला स्तर जो रहा वो रहा आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस का। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का टाइम पीरियड है वो लगभग 55 लाख वर्ष से लेकर के और 17 लाख या 15 लाख वर्ष पूर्व तक जो है पृथ्वी पर ये रहते हैं। इनके लिए ये कहा जाता है कि अभी ये दो पैरों पर लगभग लगभग खड़े होकर चलने लगे थे। इसके अलावा इनका पेट जो है बड़ा उभरा हुआ था, आप ये देख सकते हैं, ये आपके ये रहे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इनके पेट का उभार भी है, और इसके बाद इनके कपाल, ये जो सर का आकार है ये भी बहुत छोटा होता था, यानी कि लगभग ये 400 क्यूबिक सेंटीमीटर इनका जो है सर का साइज होता था, ठीक। इसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरा स्तर आता है आपका होमोहेबिलस का। होमोहेबिलस का जब पार्ट रहा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई कि अब ये लोग जो है पाषाण उपकरण का निर्माण करने लगे थे, यानी ऐसे उपकरण जो पत्थर से निर्मित किए जाते थे तो उनका प्रयोग करते थे, और इसी कारण इसे पाषाण काल की संज्ञा भी दी जाती है। होमोहेबिलस का सर जो है अब 400 क्यूबिक सेंटीमीटर के बजाय अब ये लगभग 675 सेंटीमीटर क्यूब से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर तक इनके सर का आकार हो गया था। यानी धीरे धीरे जिस प्रकार से इनका विकास हो रहा था तो इनके जो सर का आकार था वो भी बढ़ने लगा, इनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगी, और इसीलिए आप देखिए इनके समय में ये पत्थरों के औजार का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे वो हड्डियों के औजार का प्रयोग करते थे, हड्डियों से बने हुए औजार इस्तेमाल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे इनका विकास जब होमो इरेक्टस के तौर पर हो, ये दूसरा स्तर था, ये जो स्तर था वो सेकेंड फेज था। अब थर्ड स्तर जो रहा वो ये रहा, और इसमें जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस जिसको नाम दिया जाता है, और यही इनके विकसित रूप थे। ऐसा माना जाता है कि इनके सर का आकार अब 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया था। 1300 क्यूबिक से मतलब आप ये सोच सकते हैं कि 700 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर सर का आकार हो रहा है तो यानी इनके सोचने समझने की कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई कि इनके समय में आग का भी खोज हो जाता है। तो पहला फायदा क्या हुआ आग की खोज से, इन्होंने क्या किया, जंगली पशुओं को उनकी गुफाओं से भगाया और उन गुफाओं को रहने के लिए प्रयोग करने लगे, जिससे स्थायी रूप से रहने के बारे में हमें जानकारियां मिलने लगती, यानी अब इन्हें भटकना नहीं पड़ता था, खाना बदोश की जीवन नहीं जीना पड़ता था, ये स्थायित्व के जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद ये धूप से, ताप से, इसके अलावा वर्षा से, इन सभी चीज़ों से भी इन्होंने अपना बचाव करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक। इसके अलावा मांस को पकाकर खाते थे, तो जो एनर्जी इनको मांस को खाने में, कच्चे मांस को खाने में लगती थी, उससे इनमें बचत होने लगी और उसका प्रयोग ये किसी और काम में करने लगे थे। शायद यही कारण था कि इनके समय में जो औजार रहे वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, और भी ज़्यादा कुशल हो गए, जिससे कि औजारों का प्रयोग और अच्छे से किया जाने लगा। इसके पश्चात जो आते हैं वो हैं हमारे होमो सेपियंस। ये आधुनिक मानव के पहले के जो रूप हैं उसको कहा जाता है होमो सेपियंस। के बाद नियंडरथल्स आते हैं, और फिर मॉडर्न होमो सेपियंस जो कि वर्तमान मानव है, जिनका साइंटिफिक नेम मॉडर्न मैन होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। ये इनका साइंटिफिक नेम है, ये जो नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, ये इनका साइंटिफिक नाम है।
ठीक। तो ये मानव का विकास क्रम है जिसमें कॉमन एंसेस्टर यानी कि जो हमारे कॉमन पूर्वज रहे उनसे लेकर के रामापिथिकस, शिवापिथिकस, ब्रह्मापिथिकस, ये भारत के शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुए तीन कंकाल हैं, तीन फॉसिल्स हैं जिन्हें देव वानर की भी संज्ञा दी गई और ये लगभग लगभग बंदर की ही तरह थे। इसके बाद धीरे धीरे इनमें विकास का क्रम प्रारंभ होता है। अब प्रश्न आता है कि यदि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का विकास जो है अफ्रीका में होता है या साउथ अफ्रीका में होता है तो वो किस प्रकार से उनका क्यों स्थानांतरण हुआ। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको स्लाइड में बताया था कि प्लीस्टोसीन यानी अभिनूतन काल में जो है कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने लैंड ब्रिज बना दिए। लैंड ब्रिज यानी जब सागर का पानी ऊपर हुआ, बढ़ा और फिर घटा तो उसके कारण दो धरतियां यानी दो भूमि एक साथ मिले तो वो लैंड ब्रिज का काम किए। अब इसमें जो बातें आई वो ये कहा जाता है कि अधिकांश समय तक जो आपके पूर्वज थे वो इस क्षेत्र में रहते थे जिसे अफ्रीका का क्षेत्र, साउथ अफ्रीका का क्षेत्र कहा जाता था और यहाँ पर वो तब तक रहे जब तक हिमानी यानी आइस एज यहाँ पर एक बार पुनः से नहीं आ गई। और जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादातर बर्फ रहने लगा तो इन लोगों ने अपना माइग्रेशन शुरू किया। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2,00,000 वर्ष लिखा हुआ, ईसा पूर्व लिखा हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे ये यूरेशिया से बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 15,000 ईसा पूर्व से होते हुए ये देखिए 12,000 ईसा पूर्व में ये इधर आते हैं, फिर इधर ये अमेरिका के तरफ चले आते हैं। तो ये इनके माइग्रेशन का क्रम रहा जिसमें ये आपका भारत के तरफ 70,000 ईसा पूर्व के करीब है, फिर और नीचे आते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये भी देखिए 50,000 ईसा पूर्व के से। तो इस तरह से इनका स्थानांतरण जो है अमेरिका की तरफ होता है। तो ये कुछ मानव जाति के स्थानांतरण की भी बात की जाती है। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है काल विभाजन की, जैसे प्राग इतिहास काल विभाजन में इतिहास है तो हम लोग सब इतिहास इतिहास तो कहते हैं लेकिन ऐसा भी है कि इतिहास को तीन भागों में बांटा भी गया है जिसमें पहला भाग आपका प्राग इतिहास आता है। ये प्राग इतिहास है जिसे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड भी कहा जाता है और ऐसा समय जिसमें हमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ना लिखित साक्ष्य मिले, रिटेन एविडेंस भी नहीं मिलते हैं और उनको पढ़ा भी नहीं जा सका क्योंकि मिले ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे आप। तो इसी कारण से प्रागैतिहास में उसको रखा गया है। दूसरा पार्ट आता है आपका आद्य इतिहास का। आद्य इतिहास वो कालक्रम रहा जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन कहीं से भी उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक सिक्का है, उस सिक्के पे कुछ लिखा हुआ है, उस लेखन को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं उनका खंडन हो जाता था। तीसरा पार्ट आता है आपका ऐतिहासिक काल का, वो टाइम पीरियड जहाँ पर आपको लेखन सामग्री भी उपलब्ध है और उसको वैज्ञानिकों के द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा उसे पढ़ा भी जा चुका है। सबसे पहला जो प्रागैतिहास शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने किया था डेनियल विल्सन ने। 1854 ईस्वी में डेनियल विल्सन ने प्रागैतिहास शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फुट जो कि भूगर्भ वेत्ता थे उनके द्वारा 1863 में मद्रास के पल्लवरम से क्वार्टजाइट का एक पत्थर पाया गया। पत्थरों के कई प्रकार हैं जिसमें क्वार्टजाइट भी आता है, जिप्सम आता है, चालसेडमी आता है, तो ये कई तरह के प्रकार हैं। तो ये जो है आपका क्वार्टजाइट ये पल्लवर यानी मद्रास के पास से पाया जाता है और उसी को जो है किसी लोग हैंडेक्स की संज्ञा दी तो किसी ने क्लीवर की भी संज्ञा दी लेकिन पहला उदाहरण जो मिला वो हमें मद्रास से मिलता है। ठीक। इसके अलावा उड़ीसा के बैरीपाड़ा के पास से हमें जो है निम्नपुरा पाषाणिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो निम्नपुरा पाषाणिक स्थल है इसके विषय में हम आपको अगली स्लाइड में बताने ही जा रहे हैं। ये रही आपकी निम्नपुरा पाषाण काल। ठीक। जैसा कि हम पहले आपको थोड़ा सा इसमें ही बता दें, ये जो प्रागैतिहास है आपका, प्रागैतिहास को तीन भागों में विभक्त किया गया है। ठीक। जिसमें आपका पुरापाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है और नवपाषाण काल आता है।
पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही निम्न पुरापाषाण काल की संज्ञा है, फिर मध्य पुरापाषाण काल कहा जाता है, फिर उसे उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। तो सबसे पहले जो पहला काल है यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, उसमें ही जो है हमको सबसे पहले पल्लवरम से हमें हैंडेक्स की प्राप्ति होती है। जो निम्न पुरापाषाण काल यानी कि अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। निम्न पुरापाषाण काल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला है चॉपर चॉपिंग या पेबल कल्चर और दूसरा है एस्यूलियन कल्चर। चॉपर चॉपिंग या पेबल की जब बात की जाती है तो मैं पेबल के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे आप यहाँ मध्य प्रदेश की नदियों की तरफ जाएंगे या नदियों में आप जाते हैं तो गोल पत्थर मिलते हैं, हिंदी में उन्हें बटिकास्म की संज्ञा भी दी जाती है, तो वो है पेबल। ठीक, अब इन पेबल्स को जब हम एक तरफ से फ्लैग करते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो वो होती है चॉपर। ठीक, यानी कि ये आपका चॉपर है, आप इस फिगर में भी देख सकते हो, तो इसे एक तरफ से तोड़ा गया है तो ये आपकी चॉपर की संज्ञा हो गई। ठीक, अब जब इसे दूसरी तरफ से भी, अभी एक तरफ से हमने फ्लैग निकाला, फिर दूसरी तरफ से जब फ्लैग निकालते हैं तो वो संज्ञा आ जाती है आपकी चॉपिंग की। तो उस टाइम पीरियड में ये पत्थर थोड़े बड़े बड़े औजार होते थे, इसलिए इन्हें लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में रखा गया। और इसी टाइम जो पहला पार्ट है उसमें चॉपर चॉपिंग और आपको कल्चर देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा जो पार्ट आता है आपका एस्यूलियन संस्कृति। एस्यूलियन संस्कृति कहने के पीछे कारण ये रहा कि सेंट अस्यूल नाम की एक जगह थी जहां से हमें पहला उदाहरण मिलता है, जहां से हमें पहला उपकरण मिलता है, इसलिए उसे एस्यूलियन कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहां से लोअर पैलियोलिथिक का पहला उदाहरण हमें देखने को मिलने लगता है। ठीक, ये कुछ पैलियोलिथिक साइट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में आपको जैसे यहाँ जायल है, ठीक, उसके बाद उमरेठी है, इसके अलावा भीमबेटका है, आदमगढ़ है, ठीक, दुर्काड़ी है, इसके अलावा गंगापुर है, ईमान गांव है, बोरी है, तो ये सारे आपके अगाबड़ी है, तो ये सब आपके लोअर पैलियोलिथिक एज के प्लेस हैं जहाँ से हमें उसके टूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप इधर जाएंगे तो ये सहवाल आता है, पैसरा आ जाता है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो लोअर पैलियोलिथिक की साइट है वो बेलन घाटी है। बेलन वैली से आपको सबसे ज़्यादा निम्न पुरापाषाणकालीन आपको टूल्स देखने को मिलते हैं। अब इस चार्ट को लगाया है तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। तो लोअर पैलियोलिथिक एज की जो टाइम पीरियड है वो लगभग 50,000 से लेकर के 1,00,000 ईसा पूर्व तक के बीच की बात आती है। फिर नो ह्यूमन रिमेन्स वर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी ये टाइम ऐसा रहा जिसमें मानव जाति के बारे में हमें जानकारियां नहीं मिलती, उसके अवशेष हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। तीसरा पॉइंट आप जो देखते हैं कि कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज, यानी कि हिम युग जो रहा उसके बड़े पार्ट को जो है इसके अंतर्गत कवर किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर कवर किया गया है। जैसा कि मैंने टूल्स के बारे में आपको बता ही दिया कि टूल्स में आपको हैंडएक्स, क्लेवर और चॉपर, ये तीन तरह के टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दूं कि एस्यूलियन कल्चर को हैंडएक्स भी कहा जाता है, हैंडएक्स कल्चर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त हुई थी उसे कई लोगों ने हैंडएक्स यानी हस्त कुठार की संज्ञा दी है। हैंडएक्स मतलब आप टेबल को ऐसे पकड़ लीजिए और हाथ से उसका इस्तेमाल करिए तो वो कहलाया हैंडएक्स। ठीक, इसके अलावा क्लीवर आता है और फिर चॉपर आते हैं, मे बी चिपिंग द साइड ऑफ द स्टोन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप स्टोन के किनारे के पार्ट को जब आप काट कर देते हैं या निकाल देते हैं तो वो आपका चॉपर की संज्ञा कहलाती है। साइट्स क्या क्या आई, जैसा कि मैंने आपको अभी इस मैप में दिखाया ही है, कई जगह शिवालिक रेंज है, शिवालिक के क्षेत्र हैं जो ऊपर है, सोन वैली इन पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में आ जाता है, बेलन वैली इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, फिर पहलगांव कश्मीर, बेलन वैली इलाहाबाद, भीमबेटका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से हर कल्चर के कोई ना कोई साक्ष्य, कोई ना कोई एविडेंस आपको देखने को मिले हैं। ठीक, 16R, सिंगई तलब, इसके बाद निवासा, हुंसगी और अतरीपक्कम, ये कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं जहाँ से हमें लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में जानकारी मिलती है।
अब पुरापाषाण काल के दूसरे भाग पर हम बात करते हैं, जिसे मध्य पुरापाषाण काल की संज्ञा दी गई है। दूसरा भाग आता है मध्य पुरापाषाण काल का, जिसके अन्य नाम आपको केडी बनर्जी ने नेविया सियन संस्कृति, आमलानंद घोष ने फलक संस्कृति, इसके बाद डी टेरा पीटरसन ने आद्य नव पाषाणिक संस्कृति और डी एच डी सांकलिया ने सीरीज दो इंडस्ट्री का नाम दिया है। चूंकि मध्य पाषाण काल में आपको मुस्तूरियन संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि ये जो टूल्स हमें मिले हैं वो यूरोप में उसी कल्चर के अंतर थे, तो इसलिए कोरिलेट करने के लिए इस टाइम के कल्चर को, इस टाइम के जो टूल्स रहे उन्हें मुस्तूरियन टूल्स या मुस्तूरियन कल्चर में रखा जाता है। मिडिल पैलियोलिथिक की कुछ साइटें हैं जिसमें सोहन वैली, रोहिणी वैली, नर्मदा वैली, तुंगभद्रा, भीमबेटका, निवासा, ये सब आ जाते हैं। ठीक, इसमें आपके स्क्रेपर, ब्लेड, बोरर, ये सभी चीज़ें आती हैं उपकरण में, लेकिन अधिकांशतः आपको फलक उपकरण ही मिले, इसलिए इसे फ्लेक कल्चर के अंदर भी रखा जाता है। ये आपके स्क्रेपर्स के कुछ उदाहरण हैं जिसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। फिर आते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। इसका टाइम पीरियड 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य रहा, और इसमें आप देख सकते हैं कि चकमक पत्थरों का यानी फ्लिंट इंडस्ट्री, चकमक पत्थरों के उद्योग का विकास होता है। इसके अलावा होमोसेपियंस आपके आने लगते हैं, यानी हमारे पूर्वज जो प्रज्ञ मानव रहे उनकी उत्पत्ति इस काल में होने लगती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण साइटें जिसमें भीमबेटका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि उड़ीसा का क्षेत्र, गुजरात, ये सभी आते हैं। क्लाइमेट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही, अब आर्द्रता कम होने लगी। पहले के समय से जहाँ पहले बहुत ज़्यादा ठंडक रहती थी, उसकी तुलना में अब जलवायु थोड़ी गर्म हो गई थी। इसके बाद अधिकांशतः जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी पृथ्वी पर इस टाइम पीरियड में होने लगती है। टूल्स में आप देख सकते हैं ब्लेड्स, ऐसे ब्लेड जो दोनों तरफ से, आपको मैं दिखाऊँ कि ये ब्लेड जो जिनके दोनों पार्ट, इधर का पार्ट भी और इधर का पार्ट भी बहुत शार्प रहता था, और ये दोनों तरफ से इसमें इस्तेमाल किए जा सकते थे। इसके बाद ब्यूरिंस, ऐसे जो कि आज के समय के पेचकस का काम करते थे, जिनके द्वारा आप इन्हें छेद सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका यूज इसमें किया जाता था। फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि अब यहाँ पर समाज की स्थापना होने लगती है, यानी कि ऐसे लोग भी आने लगे जो कि अब स्थायी रूप से निवास करने लगे। ठीक, इसके बाद अब ये शिकार करते थे, खाद्य संग्रहण करते थे, इसके अलावा मछली पकड़ने का भी काम इन्होंने करना शुरू कर दिया था। ठीक, जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ अब देखने को मिलती है, तो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको डांस के भी पेंटिंग मिलने लगती है। इसके अलावा आपको विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जिससे संगीत आप उत्पन्न कर सकते हैं, उसके भी पेंटिंग हमें भीमबेटका से मिलती है। ठीक, उसके बाद सवाधान भी हमें मेसोलिथिक टाइम पीरियड से मिलते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड ब्यूरिल है, ठीक, फ्लेक्स ब्यूरिल यानी कि जिन्हें मोड़ करके जिन्हें दफनाया गया है, उसके बाद आप डबल ब्यूरिल, ऐसे सवाधान जो इसमें दो लोग एक साथ दफनाए गए हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ये उस टाइम पीरियड, मेसोलिथिक को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय में बहुत छोटे छोटे औजार बनने लगे, जैसे बाड़ा में आप देख सकते हैं ट्रायंगल है, ट्रैपेज है, ऐसे ब्लेड्स जो छोटे छोटे होते थे। उसके बाद हारपून भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद ये कुछ साइटें हैं जैसे तिलवारा, सराय नहराव, दमदमा, महमा, बहदहा, और इसके बाद चौपानी मांडू, ये सब महत्वपूर्ण साइटें हैं जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड को कवर करती हैं। ठीक, अब जो आई साइट वो रही नवपाषाण काल का समय रहा, जिसमें अधिकांशतः पॉलिश्ड वेयर यूज होती थी, यानी उनमें घिसाई करके अब औजार निर्मित किए जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा पत्थर जिसे घिसा गया है अच्छे से, उसमें बीच में छेद किया जाता है और लकड़ी का प्रयोग करके उसे हथौड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक्स हैमर, इसके बाद फ्लिंट एरो हेड्स, यानी अब ऐसे मतलब एरो हेड्स जो तीर के ऊपर का पार्ट होता है उसका भी उपयोग यहाँ पर हो रहा, और फ्लिंट यानी बहुत चमकदार यानी उसे घिसा जाता था उसका भी यूज हो रहा।
महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस समय में मृदभांड का भी इस्तेमाल होने लगा था। मृदभांड यानी पॉटरीज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और वो मिट्टी के निर्मित बर्तन होते थे जिन्हें हाथ से बनाया जाता था। ठीक, इसके बाद आप ये विभिन्न तरह के औजार भी देख सकते हैं, स्टोन पिक करने वाला औजार, इसके बाद ऐसे लकड़ी के बने हुए, ये आप देखिए फ्लिंट नाइफ, ऐसी चाकू जो घिसी गई थी। ठीक, इसके बाद पॉटरीज हैं, आर्ट यानी कि ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल भी अब इसमें होने लगा था, फिर ब्यूरिल्स भी आपको अलग तरह से दिखेंगी। ये कुछ महत्वपूर्ण साइटें हैं जिसमें कोडेकल, उत्तनूर, नागार्जुन, कोंडा, तेक्कलकोट, मांस्की, संगनकल्लू, पल्लव, दक्षिण भारत का जो पार्ट रहा वहाँ पर ये अधिकांशता जो है दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका जो है संपूर्ण पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के मानव जीवन के विकास क्रम, उसके स्थानांतरण और फिर जो प्रागैतिहासिक काल है उसको लेकर के इस पे थोड़ी सी चर्चा की गई थी। धन्यवाद।